दुबे, एक तरफ पुतिन ने अपने परमाणु युद्धाभ्यास से अमेरिका को डरा दिया है, तो गाजा में हमास के एंटी टैंक दस्ते के हमलों से इसराइल को बड़ा झटका लगा है। पिछले 24 घंटों में हमास ने इसराइल के टैंक ब्रिगेड पर ऐसा हमला किया जिसके बाद नेतन्याहू अपने जनरलों से पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। इस वीडियो ने इसराइल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। इस वीडियो ने नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर दिया है, क्योंकि जो धमाका है उसमें न सिर्फ इजरायल का टैंक फट रहा है बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। अब हुआ क्या, बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो ने इजरायली सेना की चूले हिला दी है। गाजा के जबालिया में हमास का एंटी टैंक दस्ता एक्टिव होता है। हमास का लड़ाका गली में बारूदी सुरंग बिछाने के बाद तबाह हो चुकी इमारत से निकलता है और फिर इंतजार होता है इसराइल के मरकावा टैंक का। टैंक आता है और कुछ सेकंड बाद होता है बहुत बड़ा धमाका। बताया जा रहा है कि जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ उसका नाम है शाहबाज। एक बार फिर देखिए, मरकावा टैंक के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब देखिए हमास के एंटी टैंक दस्ते का दूसरा हमला। ये मरकावा टैंक एक गली से सड़क पर जैसे ही आता है, इस टैंक को उड़ाने के लिए हमास के एंटी टैंक दस्ते ने आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगा होता है। एक बार मरकावा को उड़ाने वाला ये वीडियो दूसरे एंगल से देखिए। इस वीडियो में देखिए, दो लोग भागते हुए इसराइल के मरकावा टैंक की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उसकी दाईं तरफ कुछ फिट करके अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। चंद सेकंड के बाद होता है बड़ा धमाका। इस तरह इसराइल का शक्तिशाली टैंक मरकावा पर हमास करता है बड़ा हमला। हमास के दूसरे वीडियो में एक स्नाइपर अटैक होता है। टारगेट पर मरकावा टैंक में बैठा इसराइली कमांडर है, स्नाइपर गोली चलाता है और फिर काम तमाम हो जाता है। गाजा और दक्षिण लेबनान दोनों मोर्चों पर इसराइल की मार्केवा टैंक और नीमार बख्तरबंद गाड़ियों के लिए बुरी खबर आ रही है। ये हमास और हिजबुल्ला का आसान टारगेट बन रही हैं। एक तरफ से हमास के एंटी टैंक दस्ते सुरंगों में एक्टिव हैं और दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान में इसराइल को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। कुल मिलाकर इसराइली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा और दक्षिण लेबनान के अंदरूनी इलाकों में टहलना आसान नहीं रहा है। इसराइल को डराने वाली खबरें पश्चिमी देशों से मिल रही हैं। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट बता रही है कि हमास के आगे इसराइल पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहा। सिनवार को खत्म करने के बावजूद नेतन्याहू की फौज गाजा में ऑपरेशन करने के लिए मजबूर है। हालांकि नेतन्याहू और उनके जनरल बार बार दावा कर रहे हैं कि इसराइल की सेना ने हमास की कमर तोड़ कर रख दी है। गाजा पर बमबारी में अब तक 43,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में लोग रोज लाशों को उठा रहे हैं। रफा से लेकर जबालिया और उत्तरी गाजा में हो रहे इसराइल के ऑपरेशन तेज हो गए हैं। खंडर बन चुके गाजा में हैरानी की बात यह है कि लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास बाकी है। सिनवार मारा जा चुका है लेकिन हमास जिंदा है। सिनवार को घेर कर मारने के बाद भी हमास बाकी है। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट है कि हमास के 50% लड़ाकों को इसराइल अभी खत्म नहीं कर पाया है। इजरायली सेना की 4 डिवीजन यानी करीब 40,000 सैनिक गाजा में तैनात हैं। इनमें से 10,000 के आसपास तो सिर्फ रफा इलाके के आसपास हैं। हमास पर आई इस रिपोर्ट ने इसराइल को डरा दिया है। हमास की ताकत कितनी बची है, इस रिपोर्ट ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि हमास जैसे फिर जिंदा हो चुका है। गाजा में अपनी फौज को नुकसान होता हुआ देखकर नेतन्याहू बहुत बेचैन है। ये बात साफ है कि वो बहुत टेंशन में है, क्योंकि रिपोर्ट के साथ अब हमास के नए नए खतरनाक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसराइल के लिए मैसेज साफ है कि हमास के दो दो चीफ मारे जाने के बाद भी उसकी ताकत कम नहीं हुई है। गाजा में जिस तरह इजरायली टैंक फट रहे हैं,
ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है, उसकी ताकत इजराइल के लिए और खतरनाक बनती जा रही है। गाजा और दक्षिण लेबनान में मरकावा टैंक पर हमले तेज हो चुके हैं। इजराइल की सेना पर अचानक ताबड़तोड़ हमलों के क्या मायने हैं, इसका जवाब नेतन्याहू के पास भी नहीं है। ये गाजा है जिसे चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है, और यहाँ से आ रहे ऐसे वीडियो को देखकर नेतन्याहू अगर हैरान नहीं होंगे तो ताज्जुब की बात है। ומרכיב מרכזי במשימת הניצחון הוא השבת כל חטופינו, כולם, החיים והחללים כאחד, להחזירם הביתה לישראל. अब टैंक उड़ाने वाले हमास और हिजबुल्ला के नए नए खतरनाक वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा के अंदरूनी इलाकों में टहलना अब भी आसान नहीं है। हालांकि नेतन्याहू की फौज लगातार दावा कर रही है कि सिनवार को खत्म करने के साथ उसने हमास की कमर तोड़ कर रख दी है। हाल ही में इसराइल ने अपना एक बड़ा अफसर हमास के एंटी टैंक दस्ते के हमले में खोया है। गाजा के जबालिया में हमास ने अचानक इसराइल की फोर्स पर हमला बोला और फिर इसराइल का एक बड़ा कमांडर मारा गया। 41 साल के कर्नल अहसन दागसा 401वीं ब्रिगेड के कमांडर थे। गाजा और लेबनान फ्रंट का लंबा अनुभव था। हमास ने इस अफसर को टारगेट बनाया और इसराइल को एक बहुत बड़ा जख्म दे दिया। गाजा के जबालिया में इसराइल का मरकावा टैंक घूम रहा था, तभी हमास के एंटी टैंक दस्ते ने मरकावा टैंक पर थर्मोबैरिक रॉकेट से हमला किया। इसी दौरान वहां खड़े कर्नल अहसान दागसा और उनके दो और अफसर बुरी तरह घायल हो गए। सबको फौरन रेस्क्यू किया गया, लेकिन इसराइल की फौज कर्नल अहसन दागसा को बचा नहीं पाई। היום בהתקלות בצפון רצועת עזה במרחב ג'באליה נפל מפקד חטיבת השריון 401 אלוף משנה אחסן דקסה ונפצעו מפקד גדוד באורח קשה ושני קצינים נוספים באורח קל. המפקדים נכנסו לשטח בטנקים ויצאו מהם לטובת תצפית. במהלך התצפית נפגעו מהפעלת מטען כשהם מחוץ לטנק. इसमें कोई शक नहीं कि गाजा से आ रहे ऐसे बहुत से वीडियो ने इजराइल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। इसराइली सेना दो तरह की बातें कर रही है, पहले यह कि लेबनान में उसने हिजबुल्ला के खिलाफ टारगेट पूरा किया है, और दूसरा ये कि किसी भी सिचुएशन में अगर जरूरत पड़ी तो कूटनीतिक रास्तों को बंद करके फिर से हमले कर सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हिजबुल्ला के खिलाफ तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्ला मौजूद है। तो सवाल यह है कि फिर इसराइली सेना ने लेबनान में टारगेट अचीव करने का ऐलान कैसे किया? इसराइल ने माना है कि गाजा में चल रहे युद्ध में उसके 358 सैनिक मारे जा चुके हैं, 2300 से ज्यादा घायल हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल के 6 कर्नल हमास के हाथों मारे जा चुके हैं। हमास का दावा है कि उसने इसराइल के 1600 से ज्यादा सैनिक मार डाले हैं, जबकि 3400 घायल किए हैं। हमास का दावा यह भी है कि उसके एंटी टैंक दस्ते ने इसराइल के 750 टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और बुलडोजर फोड़ डाले हैं। מאז אותו יום שחור אנחנו נלחמים. זוהי מלחמת הקיום שלנו. מלחמת התקומה. כך אני מבקש לקרוא למלחמה באופן רשמי. מאז אותו יום שחור אנחנו בהתקפה בשבע חזיתות. התקפת הנגד שלנו על אויבינו בציר הרשע של איראן היא תנאי הכרחי להבטחת עתידנו, להבטחת ביטחוננו. नेतन्याहू बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि खंडर बन चुके गाजा और यहाँ लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास बाकी है। इसराइल के लिए मैसेज साफ है, गाजा में जितने इजरायली टैंक फट रहे हैं ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है। सिनवार के मारे जाने के बावजूद उसकी ताकत बरकरार है और इसराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रोज फोड़ी जा रही हैं।
बेनियामिन नेतन्याहू की सेना ने पूरे गाजा को मिट्टी में तब्दील कर दिया है। इसके बावजूद हमास के एंटी टैंक दस्ते ने छापामार युद्ध तेज कर दिया है। रुकिए एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।